क्योंकि वही वाजपो कमिंग हुए हैं। मैं सिंध पुलिस की तरफ से और तमाम जवानों और अफसरों की तरफ से सबसे पहले जो कल वाकया हुआ है उसको तह दिल से मैं उसका माजरत करता हूँ, अफसोस करता हूँ। हम पेरेंट्स के दुख में शामिल हैं, जो हुआ बहुत अफसोसनाक है। वी आर वेरी सॉरी, इट्स अनफॉर्चुनेट, वी आर वेरी सॉरी, हम रिग्रेट करते हैं और उसके साथ साथ हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपनी तरबियत में मजीद इजाफा करें, इस किस्म के वाकयात ना हों। पुलिसिंग एक मुश्किल काम है, 24/7 काम करते हैं हम लोग, और हाल ही में हमने बहुत से गैंग्स पकड़े हैं, बहुत से लोगों को पकड़ा है, लेकिन जो कल हुआ है या इससे पहले एक दो वाकया हुए हैं, अमन का वाकया है और निर्मा का है वाकया हुआ है, हम तय दिल से हमें अफसोस है और सिंध पुलिस अपनी गलती मानती है, सिंध पुलिस माजरत करती है, लेकिन हम वो तमाम काम करेंगे जिसमें हमारी सलाहियतों में इजाफा हो, बेहतर तरीके से कर सकें। हम इंसान हैं, हमारी इंसानी कोशिश होती है, इसी हवाले से हमने आपने आज यहाँ एक मीटिंग रखी। तमाम अफसरों को दोबारा हमने कोशिश किया उनको अपनी ड्यूटीज़ बेहतर तरीके से करें, सलाहियतों में इजाफा करें, ट्रेनिंग बेहतर करें, और हमने बड़ा रास्ता तो तकरीबन ख़त्म कर दिया है, इवन स्मॉल वेपन जो है उसके मुसलसल प्रैक्टिसेस कराएंगे ताकि हम इसमें बेहतर तरीके से हैंडल कर सकें। मैं बताता चलूँ कि सिंध पुलिस ने खासा अच्छा काम किया है पिछले चंद सालों में, और ये याद रखें कि शहर में 2500 से ज़्यादा सिंध पुलिस के अफसरान जो है वो शहीद हुए हैं और हज़ारों ऐसे जो शदीद जख्मी हुए, लेकिन जो इस किस्म के वाकयात होते हैं उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हम दे रहे, कोई सेल्फ डिफेंस में कोई बात नहीं कर रहे, हम अपनी गलती मानते हैं एंड पूरी कोशिश करेंगे कि अंदर ना हो और दुख और दर्द में शामिल हैं। मैं बताता चलूँ कि सिंध पुलिस ने इस साल मर्डर्स में तकरीबन 53% जो है हमने कमी की है, किसी तरह किडनेपिंग फॉर रैनसम बहुत कम हो गए हैं और एक्सट्रॉशन के केसेस में भी 32% जो है केसेस में कमी हुई है। फोर व्हीकल स्नैच में 99% कमी आई है, 99% केसेस कम हुए हैं, और टू व्हीलर्स में 599 की कमी आई है, 599 और मोबाइल स्नैचिंग जो पिछले साल 11,000 के करीब हुए थे अभी तक कम हुए हैं, और 4,000 से कम हमने स्नैचिंग का जो है हम रोकने में कामयाब हुए हैं। जो मेजर इंसिडेंट्स हुए इधर हमारे टीम ने मेहनत की है, इंटेलिजेंस एजेंसीज का बहुत रोल है और रेंजर्स का बहुत रोल है उसमें, कराची पुलिस ने सब ने मिलकर CTT ने जो मेजर केसेस थे लाइक चाइनीज अटैक और कुछ सियासी दफ्तरों पे हमले और हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटीज़ पे जो हमले हुए